वो कहता है कि यू आर स्टिल अ बिच। जाहिर सी बात है, अगर तुम 80 या 85 से ऊपर हो या 90 के आसपास भी हो, उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए भी। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है आज डे 3 में। अभी हम जस्ट कार्डियो करके आए हैं, तो ये हमारी एक तरीके से ब्रेकफास्ट कह लो या फिर पोस्ट कार्डियो मील है, जिसमें है ये सप्लीमेंट नहीं है, इसमें फाइबर्स हैं, 7 ग्राम फाइबर्स होते हैं। दरअसल हम अभी, क्योंकि हमने सब्जियां कम करी हैं, तो उसकी जगह हम फाइबर इनटेक के लिए एक अलग से सप्लीमेंट भी ले रहे हैं। और सब्जियां इसलिए भी कम करी हैं क्योंकि हम कैलोरीज कट कर रहे हैं इस फाइनल महीने में। और इसके साथ है ये 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और करीब ये 30 ग्राम वो है कीटो केचप, जो शायद हमने शेयर की थी पहले की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कम कैलोरीज हैं, तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए उसमें ऐड करी है हमने। बाकी अभी हम कुछ चेंजेस देख पा रहे हैं कि अभी जो हमारा कोर वाला पार्ट कह लो या जो एब्डोमिनल है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट फील होने लगा है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम फ्लेक्स कर रहे होगे, तो जो तुम नॉर्मली फ्लेक्स करते हो पंप होने के बाद, तो तुम हल्का हल्का मीठा मीठा पेन फील करते हो, तो वो चीज़ होने लगी है अभी। तो इसका मतलब ये है कि सही डायरेक्शन में ही जा रहा है। बाकी अभी इसको और थोड़ा पुश करना है, क्योंकि अभी तो खैर अगर पुश के मामले में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बट वैसे अगर देखा जाए प्रोग्रेस को लेके या फिर हमारा जो बॉडी डिस्मॉर्फिया है, वो कहता है कि यू आर स्टिल अ बिच, तुम्हें और ज़्यादा स्पीड से यानी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। तो हाँ, बस यही कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे होता जाए। बाकी आज है हमारा आर्म्स डे, हमने बताया था कि अब हम एक डेडिकेटेड आर्म्स डे रखेंगे, तो उसमें आज जाहिर सी बात है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और अगर बनता है तो फिर फोर आर्म्स भी ट्रेन करेंगे। कोशिश तो ज़रूर रहेगी कि रेशियो 3:3:2 का रखें, मतलब कि 3 एक्सरसाइजेज बाइसेप्स की, 3 अपनी ट्राइसेप्स की और 2 फोर आर्म्स की। हाँ, तो जो पहला मूवमेंट हम कर्ल में परफॉर्म कर रहे हैं वो है इजेड बार कर्ल, और हमने केबल से रखी है रदर देन सिर्फ बारबेल कर्ल से, क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा टेंशन हम फील करते हैं थ्रू आउट दी मूवमेंट, और दूसरा इसमें जो नॉर्मल इजेड बार रहती है केबल के लिए वो प्रेफर नहीं की, क्योंकि उसमें ग्रिप काफ़ी छोटी रहती है, नैरो रहती है। रॉड में तुम्हें एक तरीके से फ्री मिल जाता है कि जितना लंबा तुम्हें ग्रिप लेनी है ले सकते हो, इसलिए और इसमें एक एडवांटेज और है कि तुम अपने आप को प्लेस कर सकते हो केबल से कितनी दूर तुम एक स्वीट स्पॉट फाइंड करते हो जहाँ पे तुम मैक्सिमम टेंशन फील करो, तो वो सबसे सही चीज है। They sending DMs, they so annoying. We like to read them, I kinda enjoy it. On some Floyd shit, you never let these boys hit. Last girl mix my blood up with some poison. तो ये लास्ट सेट है, इसमें फुल जाएंगे और रेपिटेशन ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 8 या 10। अगर वो क्लीन जाते हैं तब तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं। लास्ट फ्यू रेप्स में चीट किया था। ओके, तो सेकंड मूवमेंट परफॉर्म करेंगे वो है इंक्लाइन बेंच कर। अपनी एल्बोस को हल्का सा बॉडी के पीछे रखना, बस स्ट्रेट रहे यानी ग्राउंड के परपेंडिकुलर। Then pull a ton of slides. Catch me on public guarantee, she by my side. Ain't nobody out here that could be as fly as mine. So she look just like a model in a cow. I think it's going to be nice to go down, ताकि थोड़ा और range of motion increase हो. You know we treating every night just like it's Valentine's. I'ma go and kill that and got an alibi. But she made me work for it, something like a 9-to-5. Blowing up my cellular. तो वेट अभी भी हम लाइट ही रखना है, ज़्यादा नहीं। तो अगर देखा है 20 पाउंड्स कितने होते हैं, तुम्हारे 10 के अंदर ही होता है, तो इतने विशाल का शरीर के साथ देखा है तो पिद्दी सा ही वेट है। हाँ, तो भाई अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइसेप, और ट्राइसेप को स्टार्ट कर रहे हैं केबल स्कल क्रशर से, बारबेल से नहीं करते हैं, क्योंकि
बारबेल हमारे शोल्डर जॉइंट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है, जो नॉर्मली हम लोग कन्वेंशनल बारबेल स्कल क्रशर करते हैं केबल से ना करके। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है अपने शोल्डर जॉइंट्स को लेके, और टेंशन भी हम ज़्यादा फील करते हैं इसमें कंपेरेटिवली नॉर्मल बारबेल स्कल क्रशर के। तो अगर तुम पेन फील करते हो ड्यूरिंग स्कल क्रशर नॉर्मली, तो इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। She said I'm super wavy, maybe you can be my sidekick. The way that she be all up in my head, she like a psychic. She's so damn fire, I don't even need a side chick. That girl fucked me up, I need an antidote. We should grab some lunch, maybe a salmon roll. Beauty and the beast, she a freak, I'm an animal. I'm a only man, her only fans, just my camera. Skull crusher ke baad ab banta hai ek movement apna push down ka bhi. Iske liye केबल पुश डाउन से अच्छी क्या एक्सरसाइज हो सकती है, ये चीज़ हम बता दें कि इसमें हम थोड़ा चीट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीट करते हैं। और इसको तुम अगर देखा जाए, हम काफ़ी तक उस वे में करते हैं कि हम जैसे क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस कर रहे हों, मतलब कि हमारे जो एल्बोज हैं वो और बाहर की तरफ, मतलब कि जो कहते हैं ना कि प्लेयर आउट योर एल्बोज, तो वाला सीन रहता है तुम्हारा, मतलब हमारा। हाँ तो नॉर्मली तुम ये देखते होगे इस तरीके से करते हुए, बट हम इसको क्लोज ग्रिप की तरह। हाँ तो भाई, लास्ट सेट में हम अपना रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गए, तो फिर से हम वही चीज़ बोलने वाले हैं जो हमने पिछले सेट में बोली थी। वो ये है कि इसमें जो है एक छोटा सा एडवांटेज ये होता है, क्योंकि तुम हमारी एल्बोस बाहर की तरफ फेस कर रही होती हैं, तो इसमें तुम्हारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेरेटिवली जो तुम सामने की तरफ से लाते हो। और ये तुम्हारे एक तरीके से ट्राइसेप के मीडियल हेड को भी ट्रेन करता है, जब तुम नीचे एकदम लाके होल्ड करते हो या पूरा एक्सटेंड करते हो तो हम मीडियल हेड भी हिट होता है। तो एक एक्सरसाइज और ट्राइसेप की, जाहिर की बात है ट्राइसेप पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमने पहले बताया कि बाइसेप के मुकाबले हमारी ट्राइसेप वीक हैं। तो इसमें एक एक्सरसाइज और करेंगे, वो है पुश डाउन, सिंगल हैंड बेसिकली पुश डाउन करेंगे। तुमने देखा होगा कि इसमें हमने अपनी एल्बोज क्लियर आउट की थी, मतलब बाहर की तरफ थी। पुश डाउन हम थोड़ा सा साइड में रख के प्रॉपर एक नॉर्मल पुश डाउन जो होता है वो परफॉर्म करते हैं। I know she'll be ready when I pull up on the slide. Catch me on perfect guarantee she by my side. Ain't nobody out here that can be as fly as mine. Swear she look just like a model in a Calvin Klein. You know we treating every night just like it's Valentine's. I'ma go and kill her and got an alibi. But she made me work for it, something like a 9-to-5. तो मैं याद आया कि पिछले सेट में हमने दो नहीं एक ही ड्रिल यूज़ की थी, इस बार दो यूज़ करेंगे इसलिए। तो वर्कआउट के लास्ट में दो मूवमेंट हम परफॉर्म करेंगे फॉर आर्म्स के, जिसमें से एक होने वाला है रिवर्स कर्ल, केबल पे करेंगे ताकि हम अच्छे से टेंशन फील कर पाएँ। हाँ अब इसमें हम दो तीन चीज़ें ऐड करते हैं, मतलब एक तरीके से सुपर सेट भी हो ही जाता है इसमें। एक करते हैं रिवर्स कर्ल और देन ऊपर है अपना ये रोल, तो दो चीज़ें एक साथ ऐड करनी है। Hey, on some Bonnie and Clyde. Yeah, she tell me that that body is mine. Shit, I might pull up to your crib with a bottle of wine. All these dudes want my spot, but they can all get in line. Ooh. They sending DMs. Ooh, they so annoying. Yeah. We like to read them. I kinda enjoy it. Yeah. On some Floyd shit, you never let these boys hit. Last girl mixed my blood up with some poison. Yeah. That girl fucked me up. I need an antidote. We should grab some lunch. Maybe a salmon roll. Beauty and the Beast, she a freak. I'm an animal. I'm a only man. Her only fans, just my camera roll. तो गाइस, तो स्वागत है तुम्हारा किचन टॉक्स के एपिसोड 2 में। तो अभी हम आए हैं जस्ट ऑफिस से, तो अभी हम प्रिपेयर करेंगे अपना डिनर। और डिनर में अभी क्या चेंजेस किए हैं हमने, चेंजेस में तो कुछ नहीं, हमने एक वो क्या कहते हैं पत्ता गोभी बढ़ाई है। हमें लग रहा है कि जो डाइजेशन हमारा हल्का हल्का फकअप हो रहा है, तो उसके लिए एक तो हम बढ़ाने वाले हैं अपना फाइबर इनटेक, और दूसरा हम इसमें बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, हमने कोशिश की है कि चलो पत्ता गोभी बढ़ाते हैं और थोड़ा डाइजेशन वगैरह में हेल्प करती है वो, क्योंकि उसमें फाइबर इनटेक रहता है, यानी फाइबर्स रहते हैं। उसके साथ अभी भी जाहिर सी बात है फिश ही होने वाली है, और फिश से याद आया कि अभी हमें फ़िश बनानी भी है, मतलब कि एक तरफ बनाओ और एक तरफ बनाने के लिए रेडी भी कर दो। मतलब समझ लो भाई, किसी भी जिम फ्रीक की ज़िंदगी का मेन हिस्सा यही हो जाता है
या तो तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो बनाने के, या फिर कुछ बना रहे हो तो, या फिर खा रहे होते हो, तो ऐसी ज़िंदगी निकल जानी है। और है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है, या फिर कई लोग पूछते हैं कि इतना प्रोटीन क्यों ले रहे हो, तो इसका एक रीज़न ये है कि हम कैलरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं। जाहिर सी बात है, अगर तुम 80 या 85 से ऊपर हो या 90 के आसपास भी हो, जैसे हमारा वेट 90 के आसपास है, तो उसमें क्या है, तुम्हें जाहिर सी बात है उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए भी कैलोरीज तुम्हें ज़्यादा ही चाहिए। अब तुम कार्ब्स कम कर रहे हो ताकि तुम लीन हो सको, तो वो कुछ कैलोरीज जो हैं तुम्हें फिलअप करनी है वो किससे करोगे? तुम प्रोटीन से करोगे। तो उसके लिए अब फैट्स हमारा आखिरी सोर्स होता है, क्योंकि फैट्स की कोशिश हम ये करते हैं कि सबसे आखिरी में फैट के सोर्सेज ऐड करें, और क्या कहते हैं, तुम्हारा प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है। ये हमारा कट का सीन है, तो उस केस में हमने प्रोटीन बढ़ाने के लिए, इसलिए प्रोटीन को बढ़ाने के लिए हमने इतने सोर्सेज ऐड किए हैं और इतना ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं उसी रीज़न से भी। वरना अगर नॉर्मल हम बल्क पे होते हैं तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि चलो कार्ब्स ज़्यादा बढ़ाएं और प्रोटीन डिसेंट रखते हैं और फैट थोड़े से डिसेंट या रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो ये तब की रिक्वायरमेंट होती है। बट एक तरीके से जो पीक श्रेड होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है, तो उसके लिए हमें जितनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं वो हम प्रोटीन से पूरा करते हैं, बाकी की जितनी हो सके हम अवॉइड करते हैं, चाहे वो तुम्हारे कार्ब्स हों या फैट से भी हों। तो ये सीन है भाई। बाकी आई थिंक वीडियो आज शायद यहीं तक रखें, अभी हमें काम पे जाना है, काम पे नहीं मतलब कि अभी हमें खाना अपना मैरिनेट वगैरह भी करना है, तो उसके लिए अभी हमें काम धाम पे लगना है, तो फोकस होके करना है। बाकी आई थिंक उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और आई थिंक आज कौन सा दिन था हमें याद नहीं है, तो तुम शुरू में देख ही लिया होगा। बाकी कल मिलते हैं अगले दिन के साथ, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।